दोस्तों आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है दी अल्टीमेट मैकेनिकल इंजीनियर। और आज हम जानेंगे कि कटिंग ब्रेक्स होता क्या है। सबसे पहली बात, कटिंग ब्रेक्स कोई ब्रेक का टाइप नहीं है। ये ब्रेक्स का वक्त के साथ इवोल्यूशन हुआ और उसके साथ मतलब डेवलपमेंट की थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए और जो रिजल्ट मिला वो कटिंग ब्रेक है। अब चलिए जानते हैं कटिंग ब्रेक होता क्या। आपने कटिंग ब्रेक एक मेथड है ब्रेकिंग की, ताकि हम अलग अलग व्हील लॉक कर सकें, इंडिविजुअल व्हील लॉक कर सकें, ताकि शार्प टर्न लिए जा सके। शार्प टर्न हमें यह इंडिकेट करता है कि गाड़ी कितना शॉर्ट टर्निंग रेडियस में टर्न ले लेती है, या उसका टर्निंग रेडियस कितना छोटा है उस पॉइंट पर टर्न ले लेती। तो कटिंग ब्रेक ब्रेक्स का इस तरीके से एप्लीकेशन है कि गाड़ी बहुत आसानी से स्टीयर हो सके कॉर्नरिंग। अब इसका एप्लीकेशन की बात किया जाए तो उसके लिए कुछ बेसिक एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ बेसिक चीजें चाहिए रहती, रिक्वायरमेंट होती। जैसे कि गाड़ी में एक ओपन डिफरेंशियल होना कंपलसरी है जिसमें कटिंग ब्रेक लगे। अब ओपन डिफरेंशियल क्या करता है कि अगर जैसे आप ये असेंबली देखेंगे, हम इस असेंबली को पहले समझते हैं। इसमें ये चार व्हील है, ये ओपन डिफरेंशियल लगा हुआ है, ये रियर में ओपन डिफरेंशियल लगा है। ये गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव, और ये ट्रांसफर केस है जो कि इंजन की पावर फ्रंट और रियर में ट्रांसमिट करता है। अब होता क्या है कि ओपन डिफरेंशियल की जरूरत क्यों पड़ती है? ओपन डिफरेंशियल करता क्या है कि अगर यहां से पावर आ रही है इंजन से तो ओपन डिफरेंशियल दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर मेरा ये व्हील रुक जाता है तो दूसरे व्हील में वो पावर फिर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये ओपन डिफरेंशियल का फंक्शन। तो इधर में क्या होगा कि अगर मैं कटिंग ब्रेक सपोज करिए इस व्हील में यूज करता हूं तो वो ये व्हील रोक देगा कटिंग ब्रेक, पर जो इंजन की पावर है वो इस व्हील में फिर भी कंटिन्यू होगी। तो अब क्या होगा, ये गाड़ी इस पॉइंट के अबाउट पाइवट हो जाएगी और ऐसा एक टर्न ले लेगी। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ये एक मॉडल से। सपोज करिए ये जो दो व्हील दिख रहे हैं, ये दो व्हील रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी गाड़ी। अब मेरी गाड़ी चल रही है ऐसे, ये व्हील रोटेट हो रहे इंजन के पावर से। अब एक पॉइंट के अबाउट ये व्हील चलते चलते इसको मैं रोकता हूँ कटिंग ब्रेक के थ्रू, तो जो दूसरा व्हील है वो उस पॉइंट को अबाउट पिवट हो जाएगा, उस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा और मतलब सेंटर बना लेगा उस पॉइंट को और उसके अबाउट ऐसे टर्न लेगा। तो ये कटिंग ब्रेक फंक्शन करता है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से शार्प टर्न्स लिए जाते हैं। कटिंग ब्रेक को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये एक और व्हीकल है, एक एग्जांपल दिया गया है एक गाड़ी का, इसके चार व्हील हैं और फ्रंट का एक व्हील आप सपोज करिए कि स्लिपरी एरिया में और रियर का एक व्हील स्लिपरी एरिया में। तो अब होगा क्या कि डिफरेंशियल क्या करता है कि जिस एरिया में टायर स्लिप कर रहा है, जिस पोर्शन में टायर स्लिप कर रहा है उसमें ही पूरी पावर का वो ट्रांसमिट कर देता है। और होगा क्या कि फिर इंजन की जो पावर है, जो दूसरी साइड है, जो कॉन्टेक्ट में जिस व्हील में ट्रैक्शन है उस व्हील में पावर नहीं जाएगी और इस कारण से गाड़ी हमारी उस गड्ढे से आगे या फिर उस कीचड़ से आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि कटिंग ब्रेक जैसे ही आप इस पोर्शन में लगाएंगे और इस व्हील में लगाएंगे तो जो पावर है वो पावर इंजन से सीधे ये वाले व्हील में ट्रांसमिट होगी और रियर वाले केस में इस व्हील में ट्रांसमिट होगी और गाड़ी को आगे की ओर फोर्स मिलेगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कटिंग ब्रेक एक चीप ट्रैक्शन टूल कहला सकते। ट्रैक्शन टूल मतलब जो कि व्हील और सरफेस का जो कॉन्टेक्ट है उसमें पावर प्रोवाइड कराता है और उस पावर के थ्रू वो स्लिपरी एरिया से गाड़ी निकल जाती। कटिंग ब्रेक के जहां तक की अब आता है एप्लीकेशन, हम सोचते हैं कटिंग ब्रेक उपयोग कहां होता है। तो ट्रैक्टर्स में आपने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर चलते हैं और जब वो जो भी खेत रहता है उसके किनारे पे आ जाते हैं तो अब जब वो टर्न लेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ मतलब एक राउंड पाथ नहीं लेंगे उनको। जैसे अब एग्जाम्पल से आप ही देखिए, ये खेत का प्लॉट है, मान लीजिए मेरा ट्रैक्टर इस पोर्शन पे आया, अब उस पर इसी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट से अपना प्लोइंग करनी या फिर जो भी इसका वर्क है वो करना। तो अब जब टर्निंग होगी तो वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से टर्न लेगा ट्रैक्टर, पर हमें इतना लंबा टर्न नहीं चाहिए, हमें तो इसी नेक्स्ट पॉइंट जस्ट यहाँ पॉइंट खत्म हुआ नेक्स्ट पॉइंट पे आना। तो उसके लिए क्या होगा कि हम कटिंग ब्रेक यूज करेंगे।
सपोज करिए ट्रैक्टर का रियर व्हील है और ट्रैक्टर अभी ऐसे जा रहा है, ऐसा गया, अब मुझे जस्ट नेक्स्ट टू दिस अब आना है, तो क्या होगा, मैं इस व्हील पर कटिंग ब्रेक लगाऊंगा और फिर क्या होगा कि ट्रैक्टर इस पॉइंट के अबाउट ऐसा घूम के ऐसे आ जाएगा और फिर अपने वर्क में फिर लग जाए। तो कटिंग ब्रेक यहाँ एक एप्लीकेशन है ट्रैक्टर में। और भी जगह एप्लीकेशन होते हैं कटिंग ब्रेक्स का, जैसे ऑफ रोड कॉम्पिटिशन होते हैं कुछ, जैसे बाहर एक ऑफ रोड कॉम्पिटिशन, उस कॉम्पिटिशन में एक मैन्यूरेबिलिटी ट्रैक होता है जिसमें बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, तो गाड़ी को या फिर जो ऑफ रोड बगी बनती है उसको शार्प टर्न्स लेने के लिए कटिंग ब्रेक हेल्प करता है। और इसलिए बहुत सारे इवेंट में आपने देखा होगा, आप देखेंगे तो गाड़ियों में कटिंग ब्रेक्स लगे और वो उसी शार्प टर्न्स की बदौलत वो अच्छा मतलब शार्प टर्न ले लेते हैं और उस ट्रैक को कंप्लीट कर लेते हैं। कटिंग ब्रेक की एक और नीड है, एक रिक्वायरमेंट है कि वो लो स्पीड पे जाए, बहुत हाई स्पीड पे कटिंग ब्रेक अप्लाई किए नहीं जा सकते, बहुत हाई स्पीड पे अप्लाई किए जाएंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं गाड़ी पे। तो दोस्तों अगर एक और चीज देखिएगा आप कि कटिंग ब्रेक का एप्लीकेशन हम किधर करते हैं, अगर मान लीजिए मैं ये मेरा अगर व्हील है, फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट कटिंग ब्रेक लगाता हूँ तो अब होगा क्या कि मेरा जो टर्निंग रेडियस होगा इतना बड़ा होगा, मतलब ये पॉइंट पाइवट हो जाएगा और इस पॉइंट के अबाउट पूरी गाड़ी टर्न लेगी तो एक एक आर्क बनेगा। पर अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट कटिंग ब्रेक लगाता हूँ तो होगा क्या कि ये जो मेरा पोर्शन, क्योंकि व्हील ट्रैक जो रहता है वो व्हील बेस से कम होता है जनरली साइज, तो होगा क्या कि जब मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं कटिंग ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा जो टर्निंग रेडियस है वो शॉर्ट रहेगा। तो ये एक मतलब टेक्निक होती है, अपने अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपना अपना वे होता है कि कटिंग ब्रेक कैसे यूज करना है। तो ये बस एक आइडिया दे रहा था कि कटिंग ब्रेक जनरली किधर यूज करना चाहिए ऑफ रोड व्हीकल। तो चलिए दोस्तों आज कटिंग ब्रेक में इतना ही काफी है, अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और हाँ कुछ खामियां तो बिल्कुल बताएं। ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।